जो छात्रा का मौत हुआ कौन था आपका? बड़ी सिस्टर। क्या सुनी थी आप? हम सुने कि यहाँ पे जब आए तब पता चला कि 7 बजे उसका, मतलब सोमवार, मंगलवार और बुधवार को उसका इंग्लिश ग्रामर क्लास होता है, और लड़का और लड़के का अलग अलग क्लास है इसलिए, और बाकी दिन 3 दिन लड़कों का होता है। तो 7 बजे वो स्कूल गए इंग्लिश ग्रामर क्लास कौन करके, से आधा दिन को? सोमवार को। तो इंग्लिश इंग्लिश क्लास करके नीचे आई, असेंबली में जब प्रेयर हो रहा था तो आई तो देखी मैम आ रही है, बिंदी लगाई थी बस और कुछ नहीं, तो बिंदी लगाई थी, देखी कि मैम आ रही है तो उसको देख के निकाल के फेंक दी, और मैम देखी कि वो निकाल के फेंक दी तो कुछ रिस्पेक्ट करती है, कुछ डरती है इसीलिए ना निकाल दी। तो फिर मैम आके उसको सबके सामने कॉलर पकड़ के 2 थप्पड़ मारी, और उसके बाद प्रिंसिपल सर के पास लेके गए, और प्रिंसिपल सर कुछ बात सुने भी नहीं, और उसको बोले कि जाओ तुम मेरा स्कूल से निकल जाओ और तुमको कल ट्यूशन TC दे देंगे, और उसको निकाल दिया वैसे बैग पकड़ा के स्कूल से। और वो थाना के पास रुकी थी उस टाइम, भैया जब स्कूल जा रहा था तब देखा दीदी यहाँ पे है, तो दीदी से पूछा तुम यहाँ पे, तो दीदी बोली कि जाओ मम्मी को बुला के आओ, तो भैया मम्मी को बुला के ले गया, और उसके बाद मम्मी मम्मी को बोले चलो हम लोग थाना में रिपोर्ट लिखवाएंगे, और मम्मी बोली पहले चलो प्रिंसिपल सर से बात कर लेते उसके बाद देखते उसके बाद जाएंगे। तो प्रिंसिपल सर भी मम्मी को बोले कि आपका बेटी का तमीज़ नहीं, बोलने का तरीका नहीं है, ऐसे करके मम्मी को भी इंसल्ट करके निकाल दिया। हिंदू मैम ने बोला है, वहाँ बच्चे होंगे वो बताएंगे, क्योंकि शायद आसपास एक दो टीचर होंगे, सब लोग नहीं थे, क्योंकि जस्ट असेंबली लग रहा था और सारे टीचर उस समय अवेलेबल नहीं थे, धीरे धीरे आते हैं, तो वो असेंबली छोड़कर निकल गई। फुली टीचर को आंसर दिया कि आप मुझे नहीं मार सकती हैं, जी, तो लेकिन मारा तो थप्पड़। उन्होंने कहा कि आप टीचर से ऐसे बदतमीजी से बात ना करें, तो यदि हम डिसिप्लिन सिखा रहे हैं तो बस एज यूजल उसने एक थप्पड़ लगाया कि आप ऐसे टीचर से बात ना करें, तो थप्पड़ मेनली बिंदी के लिए नहीं, उसे वैसे बात करने के लिए बोला गया। उपायुक्त महोदय के द्वारा निर्देश प्राप्त निर्देश के आलोक में, जिसमें कि हम और हमारे BO साहब दोनों ही इस टीम जांच दल गठित हुआ है, जिसके दोनों पार्ट हैं और जांच कर रहे हैं, जाँच उपरांत जो भी चीज़ें स्पष्ट होगी, जो सत्य तथ्य है उसको निकाला जाएगा, और तदनुकूल ही तदनुसार ही हमारे उपायुक्त महोदय जहाँ से ये पत्र निर्गत हुआ है, जो चीज़ें निकल कर जाएंगी उनको हम लोग प्रतिवेदित करेंगे। अभी इंक्वायरी स्टेज